तो देखो गाइज, अगर मैं आपको बोलूं कि आप अपने YouTube चैनल पे बिना फेस कैम के या तो कोई भी फुटेज यूज किए या तो बिना सेटअप के आप लाखों रुपए कमा सकते हैं, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको तीन ऐसे चैनल बताऊंगा और तरीके बताऊंगा जिससे आप बिना फेस कैम के काफी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, वो भी मनोज दे से भी काफी ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं। उस पर आपका CPM जो होता है वो काफी हाई होता है और अदर कंट्री से ही आपका ट्रैफिक ज्यादातर आता है, तो उससे आपको अर्निंग भी काफी अच्छी होगी और आप डेफिनेटली आप 2 से 3 महीने आपकी YouTube चैनल होती है उसे मोनेटाइजेशन भी कर पाएंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो क्या होता है कि आपको अपनी जो भी कैटेगरी की चैनल बनानी है उसमें से हमारी जो फर्स्ट कैटेगरी की चैनल है उस पर क्रिकेट की कैटेगरी आती है। अभी उसमें आपको क्या करना है, बैठ था जो आपको वीडियो मिलता है आपको वो सेम टू सेम वीडियोज अपलोड नहीं करना है। आपको उसमें क्या करना है, उसके फुटेज जो होते हैं थोड़े बहुत आपको वहां से यूज करने और उसका जो बैकग्राउंड होता है उस पर आपको वहां पे वॉइस ओवर करना है। उसके रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी होती है या तो डिटेल होती है वो सारी डिटेल आपको वहां पे दे देनी है। मान लो अभी क्रिकेट की सीजन चल रही है तो उसके रिगार्डिंग आपको वहां पे क्रिकेट का वीडियो बनाना है। उससे क्या होगा कि उसका जो वहाँ पे आप जो भी वीडियो बनाएंगे तो वहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादातर क्या होता है कि अदर कंट्री से ही आता है, तो उससे आपका CPM जो होता है वो काफ़ी हाई हो जाता है और अर्निंग भी आपको काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और आपको जो वीडियो अपलोड करते हैं वहाँ पे फुटेज यूज़ करते हैं उसमें आपको ऐसी एडिटिंग करनी है जिससे यूट्यूब को भी आपकी यूट्यूब चैनल को जो मोनेटाइजेशन होता है वो मोनेटाइजेशन करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। स्मार्ट तरीके से आपको एडिटिंग करनी है और आपका जो वॉइस होता है वो भी आपको डेफिनेटली वहाँ पे अच्छी तरीके से मेंशन करना है और आपको वहाँ पे जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो भी काफी सारे डाल देने हैं। उससे क्या होगा कि आपकी YouTube चैनल फटाफट से ग्रो होगी और आप अपनी YouTube चैनल को मोनेटाइजेशन भी डेफिनेटली कर पाएंगे। अभी बात करते हैं दूसरी कैटेगरी के बारे में, तो वहां पे शॉर्ट स्टोरी होती है उसके ऊपर अपनी YouTube चैनल पे आप टैग्स होता है उससे आप अपलोड कर दीजिए वीडियो, तो डेफिनेटली उस पर भी आपको काफी ट्रैफिक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी जो शॉर्ट स्टोरी होती है हम लोग क्या कहाँ से लेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, गूगल पे चले जाना है। गूगल पे जाने के बाद आपको वहाँ पे जो जिस टाइप की भी स्टोरी चाहिए वो आपको वहाँ पे डाल देना है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको वहाँ पे एक भूतिया स्टोरी चाहिए तो आप हॉरर स्टोरी वहाँ पे सर्च कर दीजिए। जैसे ही सर्च करेंगे डेफिनेटली आपको काफ़ी सारी वहाँ पे जो स्टोरी होती है आपको मिल जाएगी। अभी आपको क्या करना है, उस स्टोरी का जो टेक्स्ट होता है उसे आपको वहाँ पे कॉपी करके आपका जो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है उसमें ले जाना है और आपको वहाँ पे क्या करना है, 2 से 3 मिनट का एक वीडियो क्रिएट कर लेना है। उसके टेक्स्ट जो होते हैं वो आपको इस तरह से मेंशन करने हैं, जैसे कि मान लो कि एनिमेशन टाइप या तो कुछ ट्रांजेक्शन या तो वहाँ पे जो नोटिफिकेशन साउंड होता है या तो आपको काफ़ी अच्छी तरीके से वहाँ पे मेंशन कर देना है। इसी तरह से भी दोस्तों आप ये दूसरी कैटेगरी में भी आप अपने यूट्यूब चैनल पे बिना फेस कैम के वीडियो डालेंगे आपकी यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन हो जाएगी और उस पर भी काफ़ी अच्छा ट्रैफिक आता है, तो वहाँ पर उस चैनल को भी आप मोनेटाइजेशन करके काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अभी तीसरी कैटेगरी की बात करते हैं, उसमें आपको क्या करना है कि काफ़ी सारी न्यूज़ चैनल आती है या तो न्यूज़ चैनल के आर्टिकल आते हैं, जैसे कि मान लो कि ABP न्यूज़ है या तो ABP अस्मिता है, वो सारी आज तक न्यूज़ है, तो TV9 न्यूज है, तो ये सारी न्यूज चैनल होती है उनकी वेबसाइट तो आपको डेफिनेटली देखने को मिल जाती है। तो उस वेबसाइट को आपको क्या करना है, उस वेबसाइट की विजिट लेनी है, देन आपको वहां पे काफी सारी न्यूज मिल जाती है। अगर आपको वहां पे कोई भी बॉलीवुड टाइप की लाइव न्यूज मिलती है तो उसे आप अपने यूट्यूब चैनल पे मेंशन कर सकते हैं, उसका एक छोटा सा वीडियो बना के आप अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दीजिए। वहां पे जो वीडियो होता है उस पर आपको वॉइस ओवर कर देना है, कुछ आपको गूगल से भी फोटो लेने की जरूरत पड़ती है तो आप गूगल से भी डेफिनेटली फोटो ले सकते हैं, उसमें कोई भी कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक आने के चांसेस नहीं होते। तो ऐसी जो तड़ाकेदार फड़ाकेदार न्यूज होती है तो ऐसी चैनल भी काफी ज्यादातर वायरल होती है और उस पर आपको ऐसी न्यूज क्रिएट करनी है और आपको 1 से 1.5 मिनट का वीडियो बनाना है जिससे आपका ऑडियंस रिटेंशन बढ़ेगा। ऑडियंस रिटेंशन बढ़ने की वजह से आपकी जो यूट्यूब चैनल का वीडियो है ज्यादातर सजेशन में जाएगा या तो यूट्यूब रिकमेंड करेगा, उससे आपको काफी बढ़िया ट्रैफिक मिल जाएगा। तो इसी तरह से भी डेफिनेटली आप दोस्तों अपनी यूट्यूब चैनल को मोनेटाइजेशन कर सकते हैं। ये तीन तरीके मैंने बताए, वो आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि दोस्तों आपको हमारे चैनल पे ऐसे ही डेफिनेटली इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही, नए वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।